सो मैंने एडमिशन ली थी डगलस कॉलेज में, 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल गया था। आर यू श्योर द फीस इज द सेम? मैं इतनी खुश थी ना। एनीवे तो मेरे को फुल टाइम जॉब मिल गई थी मेरी, और ऐसे करके यार मतलब मेरे को पीआर मिल गई थी। हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों आज फियांशु मेरे साथ नहीं है, बिकॉज ये वीडियो मैं चाहती थी, फियांशु भी चाहता था कि मैं बनाऊं, अपनी पीआर जर्नी शेयर करूं आप सबके साथ, आपको थोड़ी मोटिवेशन दूं, अब क्या क्या मेरे को हार्डशिप फेस करनी पड़ी, थोड़े टिप्स आपके लिए मैं इस वीडियो में शेयर करूंगी। सो जुड़े रहना, अगर आपको मेरी पीआर जर्नी के बारे में जानना है तो इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ शेयर करूंगी, ठीक है? सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ। मेरे कनाडा आने से पहले मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? मैंने अपनी बैचलर्स इन कॉमर्स की थी बीकॉम चंडीगढ़ से, पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने करी थी, और उसके बाद राइट अवे आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं कनाडा आ गई थी। ग्रेजुएशन हुई थी मेरी अप्रैल 2014 में और मैं कनाडा आ गई थी दिसंबर 2014 में। पूरे 9 साल हो गए मेरे को कनाडा, एंड अब 10th ईयर स्टार्ट हो गया मेरा। सो मैं प्लस टू के बाद नहीं आई थी, ग्रेजुएशन करके आई थी, एंड फिर कनाडा मैं आई थी स्टडी परमिट पे। मैं 1 साल का मेरे को स्टडी परमिट मिला था, मैंने 1 ईयर का कोर्स लिया था क्योंकि जो मेरे को कोर्स पसंद आ रहे थे वो 1 ईयर के ही थे, एंड मैंने सोचा ओके पहले मैं 1 साल का कोर्स लूँगी, अगर मुझे कोई और अच्छा लगा तो मैं दूसरा साल या तो सेम कॉलेज में करूँगी या किसी और कॉलेज में कर लूँगी, ठीक है? सो मैंने एडमिशन ली थी डगलस कॉलेज में और मेरे कोर्स का नाम था फाइनेंशियल प्लानिंग और वो पोस्ट डिग्री डिप्लोमा था गाइस। सो ये पोस्ट डिग्री डिप्लोमा आपको एडमिशन तभी मिलती है अगर आपने अंडरग्रेड करी हो, अंडरग्रेड मतलब के बैचलर्स करी हो इंडिया से या जहाँ से भी हो आप हो, तो तभी आपको एडमिशन मिलती है पोस्ट डिग्री डिप्लोमा में। सो मेरे को एडमिशन मिल गई एंड मैंने वहाँ से 1 साल का कोर्स किया। फिर जो मेरा सेकेंड कोर्स था वो था इन यूबीसी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पे मैंने एक और 1 साल का कोर्स लिया था, दैट वाज डिप्लोमा इन अकाउंटिंग, यहाँ पे उसको डैप भी बोल देते हैं, डीएपी डैप। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, मेरी 2 साल की स्टडी हो गई थी एंड मेरे को 3 इयर्स का वर्क परमिट मिल गया था। अब इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो मैंने कोर्स यूबीसी से किया था, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मुझे पता होता पहले, अगर किसी कंसल्टेंट ने इंडिया में मेरे को बताया होता कि यार ये कोर्स भी आप ले सकते हो एंड इसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा राइट अवे। यूबीसी का कोर्स ऐसा था जिसमें आप 1.5 साल में कर सकते हो, मैंने 1 साल में कर दिया था क्योंकि मेरे को थोड़ी सी एग्जेम्पशंस मिली थी, मैंने अपनी बीकॉम में कुछ कोर्स करे हुए थे तो वहां से मेरे को एग्जेम्पशंस मिली थी, तो मेरा वो कोर्स 1 साल में हो गया था। बट मेरे साथ वाले बहुत सारे लोग थे जो इंडिया से डायरेक्टली वो कोर्स लेकर आए थे एंड उन्होंने अपनी स्टडी 1.5 साल में कर दी थी, कहीं उन्होंने लेस देन 1.5 साल में भी कर दी थी, मतलब 4 सेमेस्टर्स में कर दी थी एंड उनको 3 इयर्स का वर्क परमिट मिला था। तो मेरे को नहीं पता था और बाद में मेरे को इतना फील हुआ कि यार काश मेरे को भी पता होता तो मैं भी मतलब के 1.5 साल में ही मेरा हो जाता सारा। एक और चीज मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ गाइस, ये भी आपको कहीं पे भी नहीं पता चलेगी। जब मेरे को अपनी पढ़ाई का सेकंड ईयर का कोर्स देखना था ना, तो मैंने कोई यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ी थी, मैंने साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी, ब्रिटिश कोलंबिया की बात कर रही हूँ, साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी चेक करी, BCIT चेक करी, ठीक है, क्वांटलन पॉलिटेक यूनिवर्सिटी चेक करी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया भी चेक करी, सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। ये बहुत बड़ी चीज है जो आपको नॉर्मली किसी ने नहीं बताई होगी, मेरे को तो कहीं से भी नहीं पता चला था, ठीक है? वो ये थी कि सारी यूनिवर्सिटीज बाकी या कॉलेजेस जो मैं कोर्स ले रही थी उसकी फीस चार्ज कर रहे थे इक्वलेंट टू 3 times द डोमेस्टिक फीस, ठीक है? यूजुअली यही होता है, डगलस कॉलेज में भी मेरी फीस 3 times थी। अगर एक कोर्स की फीस डोमेस्टिक बच्चे की $500 है, मेरी उस टाइम पे $1500, तो यूनिवर्सिटी में ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे तो और महंगी होगी। तो साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी में एक कोर्स की फीस समझ लो $2000 की थी, BCIT में भी $2000 की थी, ऐसे था, इवन 2500 का एक कोर्स का था। कोर्स का मतलब टोटल एक प्रोग्राम में 10 कोर्स करने होते थे और एक कोर्स की फीस 2500 होती थी यूनिवर्सिटीज में। सच्ची मेरे को बताते हुए ऐसे हो रहा है कि यार क्यों नहीं ये बताते, बट दैट्स फाइन। सिर्फ एक यूबीसी था जो कि आपको इक्विवेलेंट टू डोमेस्टिक स्टूडेंट फीस चार्ज करता है। ये अभी भी सेम चीज है गाइस, मतलब के मेरे को वहां से पास आउट हुए 5-6 साल हो गए हैं और उस टाइम पे भी, और मैंने पिछले साल भी पूछा था किसी से जो मेरे को कहीं मिला था यहाँ पे सब्सक्राइबर, जो कहते हैं हम भी सेम आपके वाला कोर्स कर रहे हैं, आपकी वीडियो देखी तो हमने भी सेम कोर्स में अप्लाई किया, और मैंने कहा अभी भी फीस क्या सेम इक्वलेंट टू डोमेस्टिक बच्चे, कहते हैं यस। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया को शायद सब्सिडी मिली हुई है एंड दे वांट मोर
मोर CPAs के भाई वो कोर्स के बाद आप डायरेक्टली CPA के नेक्स्ट स्टेज में एनरोल कर सकते हो वो कोर्स के बाद. उनको सब्सिडी मिली हुई है कि दे वांट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स टू डू दिस कोर्स और सो दैट मोर CPAs कैन ग्रेजुएट. ठीक है. सो मेरी उस टाइम पे मेरे सेकेंड कोर्स की फीस लिटरली सिर्फ $700 थी प्लस टैक्सेस. ठीक है. और मैं इतनी खुश थी ना जब मेरे को पता चला था. मुझे पहले नहीं पता था. मैंने एडमिशन ले लिया था और मेरे को था कि यार सेम ही होएगा. जब मेरे को एडमिशन मिल गया था तो मैंने फीस के बारे में जब डिपॉजिट करना था मैंने पूछा, मैंने कहा फीस वगैरह कितनी हो गया और मेरे को लगा था सेम ही था. लेकिन उन्होंने मेरे को बताया कि दिस इज द फीस. साइट पे भी इतना प्रॉपरली मेंशन नहीं है UBC की. मैंने कहा बट आर यू श्योर, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट तो आप मतलब कि इज इट द सेम. और वो कहते हैं या इट्स द सेम. मैंने उनको 3 बार कंफर्म करा कि आर यू श्योर द फीस इज द सेम. मैं इतनी खुश थी ना जिस दिन मेरे को पता चला था कि मेरी फीस लिटरली इक्वलेंट टू डोमेस्टिक बच्चे थी. मतलब कि जो यहाँ पे कनेडियन PR या कनेडियन सिटीजन पे करता है वो मेरी फीस थी यार. पूरा कोर्स UBC का मेरा $11,000 में हो गया था जबकि डगलस कॉलेज मेरा मैंने आई थिंक $20,000 करा था डगलस कॉलेज में, इवन मोर देन दैट. तो आप बिलीव करो मैं इतना मतलब कि मुझे ऐसा हो रहा था कि काश मेरे को पहले पता होता ये चीज तो मेरी PR जर्नी और भी ज्यादा ईजी होती. आई कुड हैव सेव्ड 20,000-25,000 जो मैंने डगलस कॉलेज में करा था. सो अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है और इवन आपका बैकग्राउंड आई वुड से आर्ट्स है, मेरे साथ में बहुत लोग थे जिनका बैकग्राउंड साइंस भी था बट दे हैड एक्सपीरियंस इन बिजनेस एंड दे हैड एक्सपीरियंस इन केलो अकाउंट्स फाइनेंस में एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द CPA साइड एज वेल. तो वो लोग भी आए हुए थे ठीक है मेरे कोर्स में. सो आई न्यू समबडी, मेरी एक फ्रेंड थी वो चाइनीज थी एंड वो अपनी साइंस की बैचलर्स करके ठीक है UBC में ये वाला कोर्स कर रही थी. तो वंडरफुल कोर्स सच्ची. अगर आपका ये बैकग्राउंड है डेफिनेटली चेक आउट दैट कोर्स. ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगी इस कोर्स का. और अभी तक तो देखो सो फार इक्वलेंट टू डोमेस्टिक है फीस. आगे जाके आई डोंट नो चेंज करेंगे या नहीं, सो फार तो ऐसा ही है. ठीक है, एडमिशन UBC में लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. आपको एवरेज 75% या 70% कुछ ऐसे होता है चाहिए होता है. इंग्लिश का उस टाइम पे 6.5 था ऑल ओवर. हाँ, जितना मेरे को याद है 6.5 आईएलटीएस में बैंड चाहिए होते हैं आपको और आपको एडमिशन वो मिल जाएगा बेस्ड ऑन द सीट्स अवेलेबिलिटी. ठीक है, तो ऐसे करके मैंने UBC से पढ़ाई करी. UBC से पढ़ने में एक और एक बेनिफिट था कि समर का जो सेमेस्टर होता है ना UBC में 2 स्प्लिट कर देते हैं. तो क्रैश कोर्स कह लो आपको जो 3-4 में कोर्स करना होता है ना एक, वो आपको 2 में ही करा देते हैं, 2 या 1.5 में ही करवा देते हैं. तो आपको 2 मिल जाते हैं. तो आप एक हाफ सेमेस्टर ब्रेक ले सकते हो. ऐसे भी काफी चीजें हैं. नेक्स्ट चीज जो है मैंने यूबीसी में नोटिस करी थी, डगलस में जब मैं गई थी तो कुछ भी ऐसे प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं होती. यूबीसी में भी नहीं होती प्लेसमेंट्स बट बड़ी बड़ी कंपनीज KPMG बिग फोर ठीक है जितनी डिलॉयट सारे ये जॉब फेयर्स करती हैं. कंपनीज आती हैं, HR उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यू कैन गो टॉक टू देम, नेटवर्क कर सकते हो आप. तो जॉब मिलनी बहुत आसान हो जाती है व्हेन यू स्टडी एट UBC जो मैंने कोर्स किया था. तो मैं तो डेफिनेटली उस कोर्स को बहुत ही ज्यादा मतलब कि आई कैन वाउच फॉर इट, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोर्स. और काश मुझे पहले पता होता. बट अब आपको पता है अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा आने का और स्टडी पे आना चाहते हो एंड यू हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड और या फिर आप यू वांट टू स्विच टू अकाउंटिंग ठीक है एंड यू वांट टू परस्यू CPA तो डेफिनेटली चेक आउट दिस कोर्स. मतलब यार आप खुद सोचो आपकी फीस 1/3 है, वो भी इतने अच्छे प्रोविंस में. ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन कनाडा. तो ये कोर्स यार वंडरफुल था. और नॉट इवन फीस यार, आप 1.5 साल में लिटरली आपको 3 साल का वर्क परमिट मिल सकता है इसमें. और इतनी रेनाउंड यूनिवर्सिटी है, जब आपको वर्क परमिट के लिए भी अप्लाई करना होता है कोई फालतू इशू नहीं आता, इजीली मतलब कि आपको वर्क परमिट मिल जाता है. आई हैव नॉट सीन एनीबडी मतलब जो मेरे उस टाइम पे जितने भी साथ में बैचमेट्स थे किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी वर्क परमिट कन्वर्जन में. जिन जिन्होंने 1.5 साल की वो पढ़ाई करी थी उनको 3 साल के वर्क परमिट मिले थे. सो दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टिप जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ. इसके बाद की जर्नी भी आपको बता देती हूँ. फिर क्या हुआ था, जैसे ही मैंने यूबीसी से ग्रेजुएशन करी थी मेरे को पब्लिक अकाउंटिंग में नहीं जाना था. ठीक है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग के भी जॉब अवेलेबल थी, मतलब के लोग आते थे यू नो एंड यू कैन अप्लाई इजीली. और बट मैं थोड़ा सा इंडस्ट्री में जाना चाहती थी एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू द जॉब. तो मेरी स्टूडेंट जर्नी में यू नो यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, सो आपको कॉन्टेक्ट्स आपके बनते हैं एंड यू स्टे इन टच. और ऐसे ही
किसी के साथ मैं बात कर रही थी कि आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, तो उन्होंने कहा वी नो समबडी हु इज हायरिंग, है ना, तो उन्होंने मेरी रेफरेंस दे दी थी, ठीक है, एंड मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गई. तो दैट वॉज वन ऑफ माई फर्स्ट इंटरव्यू कॉल फॉर माई फुल टाइम जॉब. और मैं इंटरव्यू देने गई और मेरे को जॉब मिल गई वो. तो मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगी, जब आप स्टूडेंट पे आते हो ना यार, अपना नेटवर्क जरूर बिल्ड करना. मतलब आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, क्योंकि बातचीत के बाद यू नेवर नो कौन किससे आप मिल लोगे एंड दे कैन हेल्प यू आउट. और यहाँ पे रेफरेंसेस चलती हैं, रेफरेंसेस कैन लीड यू टू इंटरव्यूज, ठीक है. इंटरव्यू में कोई किसी का रोल नहीं होता, इंटरव्यू आपके ऊपर ही है कि कैसे आप परफॉर्म करते हो, ठीक है. अगर आपसे बेटर कोई कैंडिडेट होगा तो वो उनको चुनेंगे, बट यस यू डू गेट इंटरव्यू कॉल्स थ्रू रेफरेंसेस. और दूसरी चीज मैं आपको गाइड करना चाहूंगी, एक तो नेटवर्किंग जरूर करो, है ना. इवन यूबीसी में आपको बहुत चांसेस मिलेंगे, इतने नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं. मैं इंट्रोवर्ट थी और मैं ना बहुत ज्यादा, मतलब कैसे कह लो, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, और मैं जाती नहीं थी ये नेटवर्किंग इवेंट्स पे, मुझे इतना ऑकवर्ड लगता था. स्पीड फास्ट नेटवर्किंग इवेंट्स होते थे, 5 मिनट में आपको बात करनी है एचआर से, और मैं कहती थी ओ माय गॉड मैं कैसे बात करूंगी 5 मिनट में. मैं बहुत ही ज्यादा, आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज्यादा शाय कह लो और डरती थी मैं उस टाइम. अब नहीं, मतलब ऐसा मेरे को सेम. तो यू लर्न विद द एक्सपीरियंस, है ना. एनीवे, तो मेरे को फुल टाइम जॉब मिल गई थी मेरी. और फुल टाइम जॉब का एक और मैं आपको रीजन देना चाहती हूँ कि मेरे को और भी कैसे मिल गई थी वो. मेरा पूरा पार्ट टाइम का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड का था, ठीक है. जब मेरी स्टडीज खत्म होने वाली थी ना, जस्ट 3 महीने पहले मैंने एक अकाउंटिंग फर्म में काम किया था, वो पब्लिक अकाउंटिंग थी, जहां से मेरे को फील हो गया था व्हाइल आई वाज स्टडीइंग कि मेरे को भाई पब्लिक अकाउंटिंग नहीं करनी. वहां से मेरा थोड़ा डिसलाइक हो गया था कि थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस कम है पब्लिक अकाउंटिंग में. और मैंने और बहुत सारे लोगों से बात करी थी जो पब्लिक अकाउंटिंग में है, जो इंडस्ट्री अकाउंटिंग में है, तो प्रोज एंड कॉन्स सारे बताते हैं ना आपको. यूबीसी में पूरा मतलब के एक्सपोजर मिलता है बातचीत करने का, एंड यू कैन गेन सो मच ऑफ नॉलेज देयर. और एक्सपीरियंस लोगों के साथ आप बात करते हो, आप खुद ब खुद ही आपको ना रास्ते मिल जाते हैं वहां पे जब आप जाते हो. मेरे को ऐसे पता चल गया था कि भाई मेरे को पब्लिक अकाउंटिंग नहीं करनी, मेरे को इंडस्ट्री अकाउंटिंग में ही जाना. तो हाँ, मैंने पार्ट टाइम करी थी 3 महीने की इंटर्नशिप, जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल मैंने बुक कीपिंग वगैरह सीखी. सो अब आते हैं पीआर की जर्नी. सो मेरे को जॉब मिल गई थी फर्स्ट अपनी फुल टाइम बुक कीपर की, ठीक है. मेरे को 3 साल का वर्क परमिट मिल गया था बिकॉज मैंने इतनी पढ़ाई ऑलरेडी कर ली थी. 1 साल मैंने लगा दिया था डगलस कॉलेज में, ऑलमोस्ट 1 साल लगा दिया था मैंने यूबीसी में. तो 3 साल का मेरे को वर्क परमिट मिल गया था. और क्योंकि मैंने इंडिया से ग्रेजुएशन करी हुई थी, तो मेरे को लग रहा था कि मेरे पॉइंट्स बन जाएंगे एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के लिए. तो मैंने एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अपनी पीआर फाइल करी जब मेरे को 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया था. मेरा इंडिया में कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था फुल टाइम, और मेरा फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ कनाडा में ही था, और वो रिलेटेड टू माय फील्ड था, सब कुछ था. मेरी बुककीपिंग की जॉब नॉक 2 में आती थी, और मेरे को इजीली मतलब कैसे मेरा ड्रॉ में आ गया था नाम, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. बट उस टाइम पे भी बहुत पॉइंट्स फ्लक्चुएट करते थे. सो एक्सप्रेस एंट्री, अगर जिसको नहीं पता, तो एक्सप्रेस एंट्री ऐसे पॉइंट सिस्टम होता है, ठीक है. और आपके बेस्ड ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर एज, बेस्ड ऑन योर एजुकेशन, आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के पॉइंट्स जो होते हैं, जो आइल्स है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं. मैं लिंक डाल दूंगी, इट्स वेरी इजी, आप खुद भी अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो. और आप कहीं पे भी हो, आप कनाडा के आउटसाइड हो या विद इन कनाडा हो, उसके अकॉर्डिंगली एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकलता है, ठीक है. तो हर थोड़ी देर बाद ये ड्रॉ आता है और पॉइंट्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं. तो मिनिमम एक थ्रेशोल्ड होता है कि भाई इससे ऊपर अगर है किसी के नंबर तो उनको कैंडिडेट्स को इनवाइट करेंगे कनाडा इमिग्रेशन, अगर नीचे तो ट्राई अगेन, है ना. आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट टू श्योर, डोंट कोट मी ऑन दिस, कि इसमें कोई लिमिटेशन है कि इतनी बार ही आप ड्रॉ में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा आई डोंट थिंक सो. ऐसा कुछ होता है, आप बार बार कर सकते हो. यूएस में आई नो थोड़े चांसेस होते हैं, जैसे कुछ 3 चांस होते हैं, थोड़ा यूएस का बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है. कनाडा में ऐसा नहीं है, आप बार बार अप्लाई कर सकते हो जब तक आपका ड्रॉ नहीं आता. 3 साल का वर्क परमिट होता है, तो मेरे को था भाई मेरे पास इनफ टाइम है, मैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाऊंगी और होपफुली मेरे पॉइंट्स बन जाएंगे और मैं अप्लाई करूंगी. मेरे को जब 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ था, मेरे पॉइंट्स अच्छे खासे बन गए एंड मेरी पीआर की फाइल पिक हो गई थी. और अब इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है. प्रॉब्लम आती है अगर आपका आइल्स का स्कोर कम हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है. दूसरी प्रॉब्लम आती है अगर आपके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री ना हो, तो एजुकेशन के पॉइंट्स थोड़े कम हो जाते हैं. प्लस टू के बाद आते हो तो पॉइंट्स थोड़े एक्सप्रेस एंट्री के लिए आपको कम पड़ जाते हैं, ठीक है. फिर प्रॉब्लम आती है अगर आपको सही नॉक वाली
कोई जॉब ना मिले। जो मैं आपको लिंक दूंगी ना नीचे, जरूर वहां पे जाकर देख लेना, अपने पॉइंट कैलकुलेट करना। इवन यू कैन चेक द नॉक, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी स्टडी है, यू कैन जस्ट सर्च कि भाई मेरी नॉक किसके अंडर आती है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप एक्सप्रेस एंट्री वाले पॉइंट्स कैलकुलेट करके देखना। और ड्रॉ का भी आपको इजीली, इफ यू सर्च के एक्सप्रेस एंट्री लास्ट ड्रॉ, तो पॉइंट्स बता देंगे, तो आप देख सकते हो कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, है ना। तो मैं भी ऐसे करती रहती थी, और ऐसे करके यार मतलब मेरे को PR मिल गई थी थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। और कई मेरी फ्रेंड्स थी जो प्लस टू के बाद आ गए थे, एंड उनको थोड़ी डिफिकल्टी हुई थी, सो दे हैड टू गो थ्रू BCPNP। ये भी एक और मतलब के प्रोग्राम है, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया में प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, ठीक है। तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा 50 पॉइंट्स कुछ मिल जाते होते हैं, अभी भी ये आई थिंक कर रहा है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर को स्पॉन्सर करना होता है आपको। मेरे केस में क्या था, आई जस्ट हैड टू गेट अ जॉब ऑफर लेटर, दैट्स इट, ठीक है। वो जॉब ऑफर आप जहां पे भी फुल टाइम काम करते हो, डजंट मैटर द नॉक, यू शुड आस्क फॉर द जॉब ऑफर लेटर, एंड द एम्प्लॉयर शुड बी एबल टू प्रोवाइड यू द जॉब ऑफर लेटर, ठीक है। तो मेरे को मेरे एम्प्लॉयर ने दे दी थी जॉब ऑफर लेटर। लेकिन जिनके पॉइंट्स कम होते हैं वो BCPNP के थ्रू भी जा सकते हैं, और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने BCPNP के थ्रू करा था, जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं आपको, क्योंकि एम्प्लॉयर की तरफ से आपका अप्रूवल आया होता है, ठीक है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है कि हाँ भाई हमें ये बंदा चाहिए, तो एक वो वाली साइड होगी, ठीक है, BCPNP। सो ऐसे करके यार मेरे को PR मिली थी एक्सप्रेस एंट्री में, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई वॉज एबल टू गेट द जॉब ऑन माई ओन, है ना। और ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई थी उस टाइम पे जॉब्स लेने में। आई नो सो मेनी पीपल मेरे साथ जितने भी ग्रेजुएट हुए थे, उनको भी आसानी से मतलब के UBC के बाद, ग्रेजुएशन होने के बाद उनको मतलब कि मिल गई थी जॉब्स बहुत इजीली। और प्लेसमेंट का जैसे मैं बता रही हूँ आपको, इंडिया में होता है ना कि इंटरव्यूज भी कैंपस पे होते हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होता, नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं और आपको मिलना होता है फिर HR टीम के साथ, सारे सारे कंपनीज जो भी आती हैं, फिर आप अप्लाई करोगे और इंटरव्यूज उनकी कंपनी में ही होएगा जाकर। लेकिन वैसा नहीं होता जैसा इंडिया में होता है, सो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। सो इतनी सी थी मेरी PR जर्नी, और मैं बाकी सबको यही बोलूंगी कि अब बहुत ज्यादा आई नो पॉइंट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि यार डिफिकल्ट होता जा रहा है, नो डाउट। अब गवर्नमेंट अगर चेंज हुई तो न्यू अगर पार्टी आई तो यू नो ऑलवेज देयर इज चांसेस के स्ट्रिक्ट हो जाए और या फिर थोड़ा इजी कर दें, सो इट डिपेंड्स। सो पॉइंट्स भी उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करते रहते हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के होते हैं ना। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको ये कंट्री अच्छा लगता है सो फार, इंडिया में बैठे बैठे आपको फील होता है कि नहीं यार आपने सारे प्रोज एंड कॉन्स देख लिए बाकी सब कंट्रीज के, आपको फील आती है कि नहीं कैनेडा इज द वन वेयर आई कैन सी माई सेल्फ इन फ्यूचर, है ना, सेटल डाउन के लिए बढ़िया ऑप्शन है। मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है कैनेडा, क्योंकि ये एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री है और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इमिग्रेंट्स को, बहुत ज्यादा। मैंने काफी ट्रैवल किया है, बहुत सारी जगहों में गई हूँ मैं, मेरे को जितनी ज्यादा मतलब के कंफर्ट कनाडा में फील होता है ना, इतना कंफर्ट मेरे को बाकी किसी और कंट्रीज में नहीं फील हुआ। आई हैवंट बीन टू ऑस्ट्रेलिया सो आई कांट से अबाउट दैट, बट हाँ आई बीन टू फ्रांस, पेरिस, एम्स्टरडेम, इटली, US, ठीक है। तो इन सब कंट्रीज में से तो मेरे को बहुत ज्यादा कनाडा पसंद है, बाकी इतनी इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पर तो आपको कभी होम सिक नहीं फील होता, ये बहुत बड़ी चीज है। यू नो आई एम वेरी कनेक्टेड टू माई रूट्स और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स भी यहाँ थे, तो मेरे को कनाडा के बारे में बहुत पता था ऑलरेडी, और मेरे को था कि नहीं यार यहीं पे मेरे को जाना है, यहीं पे सेटल होना है। सो अगर आपका भी बहुत दिल करता है तो लुक आप, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया कंट्री है और चैलेंजेस आते हैं बट कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस भी मिलते ही रहते हैं जब आप एक जर्नी में आ जाते हो, है ना। जैसे कि अभी पॉइंट्स बहुत हाई हो रहे हैं, मैंने अपने पॉइंट्स दोबारा कैलकुलेट करे सेम वही चीजें डाल के कि भाई मेरी एज 24 है, आई एम सिंगल, ठीक है, कोई भाई बहन नहीं है, मैंने कनाडा में ये पढ़ाई करी है, इंडिया से मेरी ये पढ़ाई थी, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने जब कैलकुलेट करे मेरे पॉइंट्स इंक्रीज हो गए, मतलब पहले मेरे पॉइंट्स थे 470, अब मेरे पॉइंट्स आ रहे हैं कैलकुलेट करके 520 something 530 something, नॉट टू श्योर, ऐसे आ रहे हैं। अगर ड्रॉ के पॉइंट्स बढ़े हैं तो कुछ उन्होंने चेंजेस करे हैं जिससे सेम मेरे जो पॉइंट्स पहले बने थे अब उससे ज्यादा बन रहे हैं। तो घबराओ मत, इट्स फाइन, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। और कितने लोग यार अभी भी US जाते हैं, US में अगर सेटल हो सकता है, मुझे लगता है कनाडा तो बहुत ही ईजी है, क्योंकि US इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ ग्रीन कार्ड होल्डर, है ना। इवन मतलब मेरी अब मैंने इतने लोगों से अब बात कर ली है और वो अपनी US की जर्नी बताते हैं,
हैं और मेरे को तो सुन के ही ऐसा हो जाता है यार इट्स सो डिफिकल्ट है ना। तो कनाडा वैसा नहीं है, अगर आप आना चाहते हो तो आ जाओ है ना। मैं ये नहीं कहूंगी प्लस टू के बाद आओ या बीकॉम या ग्रेजुएशन कर कर आओ, सारों की अपनी अपनी जर्नी होती है। फियांशु हमेशा यही कहता है कि यार जितनी जल्दी आ सकते हो आ जाओ है ना। प्लस टू के बाद भी मैंने बहुत बच्चे देखे हैं सेटल होते हुए, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन करके ही आना है। बट मेरे को पर्सनली आई एम ग्लैड कि मैं ग्रेजुएशन कर कर आई थी, एक्सप्रेस एंट्री में ही मेरे को पीआर मिल गई थी। बट आजकल जैसे पॉइंट्स का बहुत ज्यादा हाई ड्रॉ आ रहा है तो लोग मूव कर रहे हैं दूसरे प्रोविंसेस में, फॉर एग्जांपल नोवा स्कोशिया मूव कर रहे हैं, विनिपेग में मूव कर रहे हैं। और अब मैं विनिपेग जाकर भी आई हूँ, डिफिकल्ट है बट लाइक आई सेड कनाडा में ऑल ओवर इंडियंस आपको मिलेंगे एंड इट्स अ वेरी फ्रेंडली कंट्री। विनिपेग मैनिटोबा में है, उसको तो टैगलाइन ही है फ्रेंडली मैनिटोबा। एक्चुअली फील हुआ कि काफी फ्रेंडली है, दो वहां पे विंटर्स में स्नो इतनी ज्यादा होती है -30 -40, लेकिन वो सिटी ऐसा बनाया हुआ है कि आपको अगर डाउनटाउन जाओगे सब कुछ अंडरग्राउंड, अगर आपको स्ट्रीट्स में जाना है अंडरग्राउंड रास्ते बनाए हुए हैं, ऐसा वैंकूवर डाउनटाउन में नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द वेदर उन्होंने वैसे सिटीज डेवलप करे हुए हैं। सो हिम्मत ना हारो, अगर आप किसी अच्छे प्रोविंस में मूव हो गए, लेट्स से ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया, एंड आपके पॉइंट्स किसी तरह नहीं बन रहे, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द अदर प्रोविंसेस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैनिटोबा में विनिपेग में आप पढ़ाई करते हो तो आप एक साल का अगर पढ़ते हो 1 ईयर का वर्क परमिट मिलता है आपको, आप 6 महीने का आपको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए एंड देन यू कैन फाइल फॉर योर पीआर, ऐसे होता है वहाँ पे। सो उतने ही वहाँ पे अगर हार्डशिप ज्यादा है तो थोड़ा सा उन्होंने लीनियंट भी किया हुआ है। तो कैलगरी आई एम नॉट टू श्योर के सेम है या नहीं, मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ, आई वुड एडवाइस कि आप एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट, अच्छे इमिग्रेशन कंसल्टेंट से जरूर बात करें और काफी चीजें खुद भी रिसर्च करें। और एक आखिरी चीज मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि जब मैंने एक्सप्रेस एंट्री अपनी फाइल करी थी, मैंने खुद नहीं करी थी, आई वॉज वेरी बिजी, मेरा फुल टाइम जॉब होता था और एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी मैं, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था कि मैं खुद अपनी पीआर फाइल कर दूं। मैंने एक कंसल्टेंट हायर किया था, ही वॉज वेरी नाइस, वेरी जेन्युइन पर्सन, और अगर कोई कमेंट करेगा तो मैं मेंशन कर दूंगी उनका नाम। तो उन्होंने मेरी पीआर का पेपर वर्क किया था सारा, और आई थिंक उस टाइम पे मेरे को चार्ज किया था उन्होंने $2,000, और आई वॉज सो हैप्पी। मैंने कहा चलो यार बढ़िया, मेरे $2,000 में सारा पेपर वर्क हो गया और कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मेरी फाइल प्रिपेयर करी थी। सो आई हैड अ रियली गुड एक्सपीरियंस विद हिम। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप खुद नहीं कर सकते, इफ यू हैव टाइम एंड यू आर मोर नॉलेजेबल, यू आर गुड विद रिसर्च, आप ये सब कुछ खुद भी कर सकते हो, इट्स नॉट दैट हार्ड। एक कंसल्टेंट का बस ये हो जाता है कि वो उनका डे टू डे होता है, दे आर ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स, आपको थोड़ी ज्यादा डिगिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे देन यू पे फॉर द कंसल्टिंग फीस है ना, बट खुद भी चीजें कर सकते हो आप। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोज हैं, आपको नॉलेज मिल सकती है वहां से भी, एंड यू कैन अप्लाई फॉर योर पीआर ऑन योर ओन, ठीक है, आपको कंसल्टेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो हाँ, बाकी मैं यही कहूंगी कि लाइक आई वाज सेइंग कि अगर आपको कोई और प्रोविंस चूज करना हो, अगर आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे, तो बिल्कुल भी घबराओ मत, स्टडी पे जब आ जाते हो कुछ ना कुछ जरिया जरूर बन जाता है। सो डोंट वरी एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर। दो महंगाई बढ़ रही है बट मैं देखती हूँ महंगाई हर जगह है। सो ये थी मेरी पीआर की जर्नी, अगर आपको अच्छी लगी है आज की वीडियो प्लीज आप कमेंट जरूर करना और लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, हम ऐसे कभी कभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डालते रहते हैं। अगली कौन सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बनाएं अपने चैनल पर आप जरूर कमेंट करना एंड मैं और फियांशु जरूर आएंगे उस पर, और होपफुली आपको अच्छा लगा आज, और मिलते हैं अगली वीडियो पर। बाय द वे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, हम कनाडा में डेली व्लॉग्स भी बनाते हैं, और अगर आप उस कंटेंट में भी इंटरेस्टेड हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लव यू ऑल, बाय बाय एंड गुड लक विद योर जर्नी।